आज हम बात करने वाले हैं लियो के बारे में। लियो थलापति विजय की एक मच अवेटेड मूवी है जो कि आ रही है थिएटर में, और थलापति विजय मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उनका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उनको मैं जब भी देखता हूँ, क्योंकि उनको देख के ऐसा लगता है ये तो अपना ही बंदा है। खैर बात इग्नोर करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लियो के ट्रेलर के बारे में। लियो का हिंदी ट्रेलर जो कि मतलब आया नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया पर वो आया नहीं। आखिर तो मैं तमिल में देख के उसको डब करने की जितनी कोशिश हुई मेरे से वो करके मैंने प्रैंक हो गया आपके साथ ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब ट्रेलर चालू होता है कहता है कि एक सीरियल किलर अंधाधुन गोलियां चला रहा था और जिसके कारण एक लाशों का ढेर लग गया था। इतने में एक बहादुर पुलिस वाला जो कि शेर जितना बहादुर होता है अपने गन में गोली भरता है और गोली चलाता है जो कि मिस हो जाती है, और फिर वो मेरे द्वारा गन लूट करता है और जो सीरियल किलर के पास एक सीधी निशान मारने का मौका होता है और फिर वो क्लियर शूट करता है। उसने भी अपने को दिखता है हाइना, जिसका इस मूवी का नाम लियो होने वाला है, पर उसमें अपने को हाइना ज़्यादा बार दिखा है कम्पेयर टू लियो। कहीं ये वो वाली कहानी ना हो जाए कि ये ना भेड़ के बीच में भेड़िया था और फिर अपने को ट्रांस वुल्फ देखने मिल जाए। खैर इस बात को हम लोग इग्नोर करते हैं, फिर अपने को देखते हैं थलापति विजय, और जो मेरे को लगता है थलापति विजय शायद पुलिस वाले के रोल में होने वाले हैं। थलापति विजय जो कि पुलिस के रोल में होंगे काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, मतलब एक तरह से देखने मिल जाता है कि शायद पुलिस वाले होंगे और किसी की क्रिमिनल्स के खिलाफ उन्हें ना फाइट करने की कोशिश करी होगी जिस कारण ये सब हो रहा है। तो उसका मैं फिर देख रहा है कि थलापति विजय को कुछ रूप बदल के आते हैं, जिसमें संजय दत्त का जो कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, इस शहर को, इस दुनिया को, पर मुझे नहीं। सिंपल वही कहना चाहता है कि तुमने सबका काट दिया है पर मेरा नहीं काट पाओगे। फिर हम लोग को देखता है थलापति विजय की एक डॉटर रहती है जो कहना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका रिलेशनशिप होता है जो कम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने की कोशिश करती है। और अपने को फिर आप आता है क्या मैं आगे वाला सीन कि वो दीमक की तरह है, वो तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेंगे और लकड़ी तक तो तहना कर दे वो दीमक लगी रहती है। तो ये चीज़ वहाँ पे अपने को देखने मिल जाती है। फिर अपने को पता था तुम्हें ना चाहे हमारी जिंदगी यही बन के रह गई है तो क्यों कहीं भी छुप जाओ या फिर कहीं भी कुछ भी कर लो पर तुम्हारी ज़िंदगी को हम लोग थोड़ी लेंगे। ये संजय दत्त का कैरेक्टर जो रहता है मेरे ख्याल से विलन होगा क्योंकि फिर अपने लियो को किस तरह पुलिस वाले को किस तरह स्कैम में फंसा देता है, फिर उनको लोग वेपन लेकर तैयारी कर रहे होते हैं उसके पीछे आने की, और फिर उसकी जो बीवी रहती है जो फाइनली फीमेल वॉइस के कैरेक्टर पर डायलॉग मारती हैं कि हम लोग ज़िंदगी सिर्फ यही बन के रह गई है, छुपो भागो यही बन के रह गई है। पार्थिव फिर हमने को पार्थिव साथ किसी का नाम हो कैरेक्टर के साथ विजय जो बने हो उसका नाम हो पार्थिव, पर हमने कहते हैं कि तुम चाहे छुप जाओ चाहे तुम भाग जाओ पर तुम्हें मौत का डर हमेशा बना रहेगा। तो ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा और कहती है कि हम लोग सही हैं सही में, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हिट होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसका आता है एक्शन, तो साउथ की मूवी का एक्शन आपको पता ही है, छप्पड़ फाड़ देता है, गला सुखा देता है और देख के पसीना पसीना हो जाता है, एकदम मज़ा आ जाता है। और ये चीज़ें देखने के बाद मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को पर्सनली। फिर हमने को देखा था जो फैमिली वगैरह का इमोशनल सीन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ में, और एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाथ रहेगा जो मेरे को देखने मिल जाता है। और मैं विजय थोड़ा सा पागलपन देखने मिलेगा कि वो किस तरह से लड़ते हुए ना कि किस स्ट्रगल से स्ट्रगल करेंगे, तो उसमें वो भी पागल से हो जाते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि मज़ा आएगा देखने में पर्सनली। वो ऐसे में मतलब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, फिर अपने को बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। ऐसा मत बोलो कि मैं कोई ऐसे आलतू फालतू लोग जो जिसको तो मैं चाहिए नहीं है ऐसा विजय बोल देते हैं, जो कि मैंने इंग्लिश टू तमिल टू इंग्लिश पर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था, थोड़ा आप समझ लेना। ओवरऑल कहूँ कि ये जब ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अपने को, फिर एक आध शॉट दिखता है हाइना का और आखिरी में कहता है कि तुम कहीं भी चले जाओ कहीं भी छुप जाओ पर मैं आ जाऊँगा, और आखिर में बैड एस वाली वाइब आती है। और मुझे पता है ये बैड एस कहाँ से चुराया होगा, कहाँ से इंस्पायर्ड है ये बैड एस, तो बैड एस विजय होता है फिर आखिरी में कट ऑफ हो जाता है। तो पर्सनली कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ट्रेलर, काफ़ी ज़्यादा एक्शन वाली वाइब है इसमें और कुछ ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो मतलब ये होने वाला एक तरह से फेस ऑफ होने वाला एक विलन एक हीरो कैसे स्टोरी में इतना होगा, ये किस स्टोरी कनेक्ट और कई किस तरह से कनेक्ट होगी, जो जिस तरह से बाकी जो यूनिवर्स हैं विक्रम वगैरह के उसमें कनेक्ट कहाँ कनेक्ट होगी ये देखने वाली बात होगी। तो पर्सनली मैं कहूँगा कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो कि ये मूवी कहाँ से कनेक्ट होती है, कि थलापति विजय को देख के काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा मेरे को, और उनका जो लियो कैरेक्टर है वो देख के हाइने वाला फील आती है। ओवरऑल कहूँ कि मैं ये चीज़ देख काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, अभी कुछ क्या जल्दीबाजी होगी, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है अपने को। मैं तो कहूँगा मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में क्या आप तो गला सूख गया विजय को देख के या फिर आप पसीना पसीना हो गए। तू समझा।